तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा रूम का सेटअप टूर है, आज मैं इस वीडियो के अंदर सेटअप टूर देने वाला हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ना मैंने इसमें कोई स्क्रिप्ट लगाई है। ये जो नॉर्मल वीडियो है, सिर्फ वैसी ही है जो आपने प्यार दिया, जो 1,000 सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं। हालांकि जो मेरी वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के ऊपर मेरा कोई मोनेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है। लेकिन इससे मेरे को सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, आप सभी के साथ मेरा साथ जुड़ जाएगा, ताकि आगे हम और ज़्यादा ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स की वीडियो बनाएं। पैसे वैसे तो बाद की बात है, आते रहेंगे जब भी आएंगे, लेकिन मेन है कि एक जो कनेक्शन है वो बिल्ट होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी का थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, और हमारा जो एक टीम है वो हम सब अब 1,000 की टीम हो गई है हमारी, और हम 1,000 की फैमिली में जुड़ गए हैं। तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू। और आज इस वीडियो के अंदर मैं 1,000 स्पेशल के लिए आपको अपने रूम का जो सेटअप दिखाऊंगा, कि मेरे पास जो जो यहाँ पे चीज़ें रखी हैं, तो आज मैं आप लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, और आपको पूरा का पूरा रूम टूर दूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रूम अपग्रेड किया है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास जगह है, तो मैंने एक रूम अलग से एक रूम स्पेशल स्टूडियो टाइप बनाया है। ज़्यादा कुछ स्टूडियो वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि वो थोड़ा स्टूडियो टाइप लगे, और जो वीडियो है उसकी थोड़ी क्लियरिटी बढ़े। हालांकि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ गई है, जो बैकग्राउंड वगैरह है वो कलर लाइटिंग वगैरह जो है वो चेंज हो गई है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा आप देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में बोलूँगा, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम और आगे बढ़े, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सभी तक मिलते रहें। और अगर आप एक नई यूट्यूबर हो, तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, और मैं आपको और अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा, जिससे कि आपके जल्दी से सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए। तो चलिए अब शुरू से एंट्री करते हैं रूम में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं, और कहाँ पर मेरी क्या 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 चीज़ें हैं। ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं होगी, लेकिन वीडियो के अंदर यह मैं आपको एक बेसिक बेसिक बता दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं, और वो क्या क्या हैं क्या नहीं है। ये रूम के अंदर आ गए, अभी ये दिख रहा होगा तुम्हें कि कैसा ब्लू कलर कर रखा है अभी मैंने। तो ही मैं पहले एक बार लाइट जगा के दिखाता हूँ, वैसे तो अभी दिख रहा होगा, तो इसके लिए बताना कि ये कैसा लग रहा है। और अभी मैं एक एक करके इसकी लाइट जलाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा कि ये एक्चुअली में है कैसा और क्या क्या है। तो अभी ये मेरा गेट है, जो एंट्री वाला गेट है। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये मैंने फोम्स वगैरह चिपका रखी हैं, ये भी ऐसे जुगाड़ बना रखा है। उसके बाद ये बिस्तर है यहाँ पे, और बिस्तर के बाद इधर मैंने ये एक खाली टैंची रखी थी, एक ट्रंक थी वो, उसके ऊपर मैंने ये मेरा पहले से ही है, जो मैंने वो लाइट थी उसके आगे मैंने रुमाल लगा दिया है। और उसके बाद ये मेरी टेबल थी, जो मैं पहले लिखने के लिए यूज़ करता था। उसके बाद ये स्टैंड है, ये भी पुराना है। उसके बाद मैंने एक ये टेबल ली है, और एक मैंने ये लाइट ली है, यहाँ पे ये कनेक्शन है लाइट का, और ये ग्रीन स्क्रीन है फिलहाल के लिए, तो मैंने यहाँ पे रख रखी है। और ये मैंने एक कैलेंडर लिया, और बुद्ध की फोटो ली है। उसके अलावा यहाँ पे ये एक जार है, जार के ये खाली जार में लेके आया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो लाइट है, जो लड़ी होती है, वो मैंने इसके अंदर भर दी। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे मैंने जो एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके उसके अंदर कनेक्शंस लगा के उसके अंदर रख रखा है। और ये आपकी लाइट है, जो लाइट मैंने जो वायर है वो यहाँ पे ऐसे करके लगा दी है। और उसके अलावा इसके ये स्टैंड है, इस तो अभी मैं यहाँ पे बैठता हूँ, और मैं यहाँ से ऐसे बैठ के उसके बाद मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये मेरा पूरा बैकग्राउंड का सेटअप है जो मैंने बनाया है। ये मेरा स्टैंड है, जो स्टैंड में बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, और जब मैं इसको बनाता हूँ वीडियो को, तो उस टाइम पे मैं ये वाली लाइट भी अपनी ऑन कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक बार दोबारा से इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इससे लाइटिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये लाइट के अंदर और ज़्यादा थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन आ गई है। तो अभी ये वाला हमारा सेटअप टूर है। तो इस सेटअप के अंदर मेरा जो लैपटॉप है वो मेरे पास पहले से है, उसके बाद ये मेरी लाइट है। तो ये वाली लाइट मैं बंद कर देता हूँ, ये कभी कभी ऑन रखता हूँ। और उसके अलावा
इस लाइट को मैं येलो पे कर देता हूँ, उस वाली को कभी ब्लू पे कर देता हूँ, कभी ग्रीन पे कर देता हूँ जो उस तरफ लाइट लगी है, और वो फिक्स है पिंक कलर की है। उसके अलावा फिर मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो ऑलमोस्ट अभी तक तो मैंने दिन में ही रिकॉर्ड किया है। ये वाली एक डेट है जो मैं डेट हर बार चेंज करता हूँ, हर रोज जब बैठता हूँ, जैसे आज 3 मार्च है मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ये मैंने डेट आज की डाल रखी है, मैं इसको डेली की डेली चेंज करता हूँ। उसके बाद ये बुद्ध की जो एक सेरेमिक है, तो ये मैं लेके आया हूँ पॉजिटिव वाइब्स के लिए, ताकि पॉजिटिव वाइब्स वगैरह हमारे पास भी आए और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए। उसके बाद जो मेरा लैपटॉप है, तो जो मेरा लैपटॉप है उसके लिए मेरे पास वायरलेस माउस है, ये रिमोट है इन लाइट्स का। उसके अलावा मेरा इसके अंदर यहाँ पे गोप्रो पड़ा है, और ये मेरी एक टेप रखी हुई है, और बाकी कुछ ये वो इस थैले ये थैला है, इस थैले के अंदर मैं हर चीज़ से गिफ्ट्स वगैरह लेके आया था, और ये हमारी लाइट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो मेरा सेटअप है वो सारा का सारा पसंद आया होगा। अभी जो मैं वीडियो अपलोड करने की सोच रहा हूँ, आज 12 मार्च है, तो आज मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन तक मैं कुछ और वीडियोज़ जो है एडिट कर रहा था और उनको अपलोड कर रहा था, इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको लग रहा है कि हमारे चैनल के अंदर कुछ है ऐसा कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।